झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में राजद के कोटे से एक मंत्री भी हैं। लेकिन इन दिनों सरकार की सहयोगी राजद के नेता सरकार के कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। राजद मुख्यालय में सभी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग के जिलाध्यक्ष संजय मल्लिक ने की। सभी नेताओं ने एक सुर में सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया और पटना जाकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिलकर झारखंड सरकार की गलत नीतियों से अवगत कराने की भी बात कही। बता दें कि 20 सूत्री के गठन में हुई आरजेडी की अनदेखी से आरजेडी के नेता नाराज हैं। हम लोगों ने इस मसले के साथ साथ ये भी प्रस्ताव लिया है कि हम लोग जाके राष्ट्रीय नेतृत्व को यहाँ जो हुए भंग कमेटी को अविलंब जल्द से जल्द बनाया जाए। चूंकि 14 तारीख तक खरमास था, उसके बाद की बात थी, तो हम लोग बहुत जल्द जाकर अपनी बातों को रखेंगे और चाहेंगे कि हमारे यहाँ फिर से कमेटी का गठन हो और नए ऊर्जा के साथ नए साल में सबको नई शुभकामनाओं के साथ हम लोग झारखंड में फिर अपना दल बल को मजबूत साजो सामान के साथ झंडा बैनर हथियार के साथ करने का काम करेंगे। अपना परिचय दे। संजय मल्लिक, राष्ट्रीय जनता दल, हजारीबाग। और जब हिस्सा लेने की बात आती है तो उसमें राजद के लोग हट दिया जा रहा है। इस सरासर हम लोग का एक स्वर में सभी का मांग है कि सबसे पहले जो पुराना कमेटी जो बना हुआ है उसको भंग करके नए तरीका से लागू हो। 15 सूत्री, 20 सूत्री और जो निगरानी समिति बनना उसमें राजद की हिस्सेदारी चाहिए, चाहे वो वोट निगम बने उसमें भी हर लोग हम लोग भागीदारी सुनिश्चित चाहते हैं। हम लोग बैठक में, इस बैठक में क्या निर्णय लिया आप लोग, इसके आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोग बैठक में तय लिए हैं सभी लोगों से, एक मत सभी लोग तय किए हैं कि जब तक हमारा मांग नहीं पूरी होती है हम लोग सरकार से अपने नेता तेजस्वी जी से हम लोग मिलने जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग समय ले रहे हैं, पूरे राज्य के 2400 जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे पटना, तेजस्वी समय लेकर मिलेंगे और जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है हम लोग ये भी मांग करते हैं कि सरकार समर्थन में हम लोग सोचने पर विचार किया जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।